देख रहे हो एबीपी साझा जोश जज्बा जुनून। बॉलीवुड सिंगर हमसिका अय्यर नूना शाहरुख खान के गीत छम्मक छल्लो तो वर्ल्ड वाइड नो पहचान मिली ते रीसेंटली हमसिका पहुंची हुई सी चंडीगढ़ अपने कॉन्सर्ट लई जिथे असी हमसिका दे नाल खास गलबात कीती। हे Wanna be my chhammak chhallo, oh oh oh. Wanna be my chhammak chhallo, oh oh oh. Wanna be my chhammak chhallo, oh oh. Wanna be my chhammak chhallo. Yenda yenga porra yen bukk nidanda alle. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake tabango the hardcore. Shoulder hitchik mitchik body hitchik mitchik gimme 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 some more. Kyunki kuch to hai tujhse rabta, kuch to hai tujhse rabta. Hello everyone at ABP channel. This is Hamsika and I'm loving sitting next to this pretty girl. Well, I mean, it's lovely. I think इससे better introduction हो ही नहीं सकती। हमसिका सबसे बहुत-बहुत स्वागत है आपका चंडीगढ़ में। पहली बार आप चंडीगढ़ में आए हैं। पहली बार and मुझे लग रहा है बार-बार आती रहूँगी। Because लोग यहाँ के लोग इतने प्यारे। खाना तो पूछो ही मत। अच्छा। And पंजाबी खाया भी है यहाँ के अमृतसरी कुलचा खाई मैं चूर 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 वाला कुलचा इट्स अमेजिंग एंड मैंने इंस्टा में डाल दिया एंड मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं तू अगर नहीं भी आए तो नो प्रॉब्लम ये भेज दे बस ये भेज दो बस एंड अमृतसरी वड़ियाँ मसाला वड़ियाँ मैं तो ले जा रही हूँ भाई बनता ही है फरमाइश भी आ गई है बम्बई से पहली बार आपका शो यहाँ पे चंडीगढ़ में आप कर रहे हो एंड यहाँ की ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है सो क्या धमाल मचाने वाले हो आप चंडीगढ़ सिटी सेंटर बहुत अच्छे टीम ऑफ पीपल एंड आई हैव टू थैंक देम फॉर इनवाइटिंग मी इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर अभी सेटअप ऑलरेडी क्रिएट किया है इन्होंने एंड मेरे हिसाब से पंजाब के लोग आज का दिन जी लेते हैं करेक्ट फुल धमाका फटाका है आप लोग आप सब फटाके हो बड़े बड़े मगर आज जो मैं गा रही हूँ थोड़ा सोलफुल गाने भी हैं बिकॉज यहाँ के लोग जितना नाचना पसंद करते हैं उतना ही लाइक थोड़ा लाइक वो नॉस्टैल्जिक होते हैं एंड यू वांट टू गो बैक वैसे एक ब्यूटीफुल क्लासिक सॉन्ग्स तो वो भी इट्स ज़्यादातर अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ क्लासिक्स एंड द न्यू सोलफुल सॉन्ग्स एंड ऑब्वियसली नाचना तो है ही सबको नाचना क्योंकि आज हम पंजाब में हैं हम चंडीगढ़ में हैं तो अगर मैं पंजाबी म्यूज़िक की बात करूँ तो हम जगह को पंजाबी गाने सुनने कितने पसंद हैं मुझे बहुत पसंद है बिकॉज पंजाबी गाना मैं जब भी सुनूँ तो मैं एक जगह में बैठ नहीं सकती हूँ अच्छा। मैं एक्चुअली बता दूँ अच्छा। मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ मगर मैं जब नाचती हूँ वो मेरा स्टाइल है अच्छा। हाँ बस आपको देखना है देखो मज़ा आता है एंड बहुत बाउंसी है वेरी वेरी फुट टैपिंग सॉन्ग्स है पंजाबी गाने सो कोई है ऐसा गाना जो मतलब ऑन लूप सुनती है हमसे का अभी हाल ही में आई लाइक दिस एकदम सिंपल सा गाना है बट आई लाइक एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है वो तो मैं गा रही हूँ आज एंड लंबरगिनी चलाई जायो सानू भी झुट्टा दे दो कित्थे कल्ले कल्ले जाई जाने हो तो मतलब हम कभी सोचा है कि यार पंजाबी में भी उन्हों की कुछ गाना मुझे करना चाहिए कि पंजाबी ऑडियंस के लिए मुझे ज़रूर करना है जो भी सुन रहे हैं ये इंटरव्यू अगर कोई म्यूज़िक कंपोज़र सुन रहे हैं प्लीज़ मुझे बुलाइए मज़ेदार गाना करते हैं एंड दुनिया को नचाते हैं आई एम श्योर यू गोना रॉक इट बस रॉक करना ही है जब आपका ये गाना आया था छम्मक छल्लो एक ओवरनाइट सेंसेशन यू नो आप बन गए थे यू वर्कड विद एकॉन राइट आई मीन हर एक आर्टिस्ट का ना एक सपना होता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करने का सो कैसे लाइफ लाइक बदल गई व्हेन यू इस गाने के बाद विशाल शेखर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बहुत ही मज़ेदार म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं उन्होंने जब मुझे फ़ोन करके बताया कि ये ऐसे ऐसे एक गाना है
मेनली मेल वोकल मेल सॉन्ग है बट स्मॉल पार्ट फीमेल का भी करना है. मैं बोली चलो आती हूँ. एंड मुझे तभी उन्होंने नहीं बताया था कि क्या क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस. स्टूडियो में जब गई उन्होंने बताया शाहरुख खान का फिल्म है एंड करीना इज इन इट एंड एकॉन इंटरनेशनल R&B आर्टिस्ट. मैं बोली मैं तो शॉक हो गई. एंड प्रॉबेबली उन्होंने मेरा चेहरे देखे देख के शायद उन्होंने सोचा होगा इस लड़की के चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं. बट इनफैक्ट आई वॉज शॉक्ड. मैं इतनी शॉक हो गई एंड आई वॉज लाइक अच्छा अभी लिरिक्स दे दे मैं लिख लेती हूँ और सीख के गा लेती हूँ बस. बिकॉज वो दो दिन लगा मुझे टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड. एंड जब गाना निकला तो भाई गॉड आई कुडंट हैव आस्क्ड. इससे भी बढ़िया बिग सॉन्ग फ्रॉम विशाल शेखर दे आर डार्लिंग. एंड दुनिया भर मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ फॉरेनर्स भी ये गाने बहुत सुने हैं बिकॉज एकॉन इज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट. सो बहुत ही ग्लोबली वेरी बिग सॉन्ग. तो हम जगह आई मीन आपने बहुत सारे योनर्स के सॉन्ग गाए हैं लेकिन अगर मैं पूछूँ कि वो कौन सा पर्सनल फेवरेट योनर है आपका? मेरे पर्सनल फेवरेट आई लाइक सोलफुल सॉन्ग्स. या दैट्स वाई जब प्रीतम से मुझे कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता तो बहुत मज़ा आया भाई. ये गाना इतना प्यारा लिखा है अमिताभ ने एंड बहुत ही सोलफुल. ये लॉन्ग ड्राइव सॉन्ग है एंड मुझे ऐसे आई नो मेरे लाइक फैन फॉलोइंग मैं पीपल हैव टोल्ड मी दैट आपको पता नहीं ये जो गाना है इट्स लाइक अ मलम. हमारे बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज में हम ये गाना सुन के दिस हैज़ बीन लाइक बाम टू आर सो इट्स बहुत बहुत अच्छा लगता है. तो हमसे कहा यू नो आपने बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं सो आई रियली वांट टू नो कि हमसे कहा कि इंस्पिरेशन क्या है गाने. इंस्पिरेशन यू नो व्हाट What motivates you keep doing? Basically हम आर्टिस्ट हैं हम पागल हैं तो वो एक जो एक चाइल्ड है उसको कभी खो ना देना. कीप दैट वो जो एक बचपना है वो जो एक अंदर का वो एक चाइल्ड है उसे कभी मरने मत देना. डोंट बिकम सो एडल्ट एंड सो मैच्योर दैट वो खो जाए. वो एक पागल रहना चाहिए. एंड देन गो गाना आता है जस्ट गो विद द फ्लो ओपन माइंड के साथ. एंड वी आर्टिस्ट वी नेवर ग्रो ओल्ड. सो वो एक पागलपन वो एक नर्व होना चाहिए. अ सिंगर है जिसके साथ आई मीन हम चुका शी रियली वांट्स टू वर्क मोर इफ आई हैव आई वाइफ आई वुड हैव बीन इन दैट एरा. किशोर कुमार इस एरा में अगर मैं बात करूं समवन दैट यू रियली इंस्पायर आई जरूर A.R. रहमान के साथ एक डुएट गाना चाहूँगी ज़रूर. ही इज़ अ लेजेंड एंड जितना उन्होंने पाया है उनके लाइफ में उससे ज़्यादा वो दे रहे हैं बैक टू द सोसाइटी. दैट्स अ बिग पार्ट. तो लेकिन हम उसका एक चीज़ और है जो आजकल मैं देख रही हूँ कि जैसे ना गानों की एक काइंड ऑफ एक रेस सी एक लग गई है कि एवरी डे कोई ना कोई नया सॉन्ग आता है लेकिन जो सॉन्ग की जो लाइफ है ना मीन जो पहले जो सॉन्ग्स थे वो लाइक लॉन्ग लास्टिंग थे. अब उसको बार बार यू कैन लाइक लिसन लेकिन जो आजकल जो सॉन्ग्स आ रहे हैं मतलब यार इट्स लाइक एक बार सुना ओके इट्स गॉन. आपने इंस्टेंट चाय या इंस्टेंट कॉफ़ी के बारे में सुना है? वैसा है इंस्टेंट हिट एंड फैट आउट. But that's a trend. Everybody एक हफ्ते के ऊपर चल मीनिंग वो कोई और गाना टेक ओवर कर लेते हैं बट आज का ट्रेंड वही है. टू मैनी आर्टिस्ट टू मैनी सिंगर्स टू मैनी म्यूजिक कंपोजर्स तो वो एक दौर है. अभी प्रॉबेबली ये भी निकल जाएगा एंड शायद गो बैक टू दैट ओल्ड स्कूल ऑफ वन एल्बम में एक ही म्यूजिक कंपोजर एंड गाने. वैसे हम यहाँ पे ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो एक और ट्रेंड है कि पुराने सॉन्ग्स को रिक्रिएट करने का ट्रेंड. हर फिल्म में कोई ना कोई पुराना सॉन्ग हमें मिल ही जाता है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई पुराना ऐसा कोई गाना है जो हम से का रिक्रिएट करना चाहे जो बहुत ही कोई लाइक मनपसंद होता है एक सॉन्ग है कि अगर कभी मौका मिले तो हाँ ये गाना है जो मैं अपने स्टाइल में उसको रिक्रिएट करूँगी. मैं ज़्यादा आई टेल यू मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिक्रिएशन ऑनेस्टली बट आज अगर वही दौर है तो
एक गाना है मुझे हमेशा बहुत पसंद आया है, मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हरा, अयो मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हरा, अयोड़ा प्यार में जो ना करना चाह वो भी मुझे करना पड़ा, अयोड़ा अयो मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हरा। बहुत ही मजेदार, आशा जी ने गाया है विद महमूद महमूद द एक्टर। तो अब लाइक अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, अब क्या दिमाग में जाने वाले हो? अभी हाल ही में एक फिल्म आ रही है फोटो प्रेम, स्मॉल फिल्म बट मोस्टली नेटफ्लिक्स या तो अमेजोन विल टेक ओवर। तो उसमें एक क्यूट सा गाना, आज सबके ज़िंदगी में फ़ोटो ही सबसे बड़ा, सो उसको रख के कौशल इनामदार बहुत ही मज़ेदार म्यूज़िक कंपोज़र हैं एंड जिनके लिए मैंने बहुत गाए भी हैं गाने, उन्होंने कंपोज किया है। सो इट गोज़ लाइक फोटो एक फोटो दो फोटो तीन फोटो चार, शटर खोल फ्लैश मार बार बार लगातार, स्माइल वाला मेकअप कर ले, स्माइल वाला मेकअप कर ले, एक्सप्रेशन को वेकअप कर ले, खींच मेरे यार फोटो, इंटरनेट पे मार फोटो फोटो फोटो। लवली, तो हम जाने से पहले अपने खास तौर से पंजाबियों के लिए क्या कहना चाहोगे? आप जैसे भी हों वैसे ही रहिए, मज़े में खाते पीते गाना गाते डांस करते रहिए, बहुत ही मज़ेदार लोग हों आप सब, बिकॉज आप आज के लिए जीते हो, वही सबसे बड़ी बात है। कोई दोपन कोई लाइनें पंजाबी ऑडियंस, मुझे बता कोई पंजाबी गाना बोलना, तू बोल आपको फेवरेट हो जाए फिर लंबड़गिनी। जाते जाते अभी मोस्ट हैपनिंग सॉन्ग, लंबोर्गिनी चलाई जाने ओ, लंबोर्गिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो कितने कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। सी यू सून। Lovely and thank you so much for talking to us. Thank you so much. So ये थी हमारे साथ हमसिका अय्यर, कैमरामैन मेहरबान के साथ पल्लवी सोनी, भी सांझा चंडीगढ़। देख रहे हो ABP सांझा, जोश जज्बा जुनून।